मेरा नाम है राज गौर और आप देख रहे हैं टेक्निकल राज। मैं आज आपको बताऊंगा स्कूटनी के बारे में। अगर आपको स्कूटनी का पैसा दो बार कट गया और पैसा रिफंड है, या एक बार आपका पैसा कट गया और रिफंड कैसे लाना है कि, तो वो आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि देखिए, मैंने ऑलरेडी, मेरा भी ऐसा कुछ हो गया था। मैंने दो तीन सब्जेक्ट का किया था, वो मेरा पैसा फंस गया था, कल ही मैंने किया था। लेकिन मैं बार बार मेल करता रह गया, और बट मेल करने के बाद जो है वो रिफंड आ गया, तो इस तरह से पेमेंट वापस नहीं आ रहा था। तो एक मेरे मैंने वीडियो चढ़ाया था अपने इस चैनल पे, एक बिहार बोर्ड इंटर 12th इंस स्कूटनी अप्लाई कैसे करना है। तो उस पर कुछ मैसेज मतलब कमेंट्स आ रहे थे। जैसा कि मैंने कमेंट्स पढ़ा तो बहुत सारे, नवनीत का कमेंट था, नवनीत पटेल का, उसके बाद शहनबाज अख्तर का था कि भाई मेरा तो दो बार पैसा कट गया लेकिन एक बार भी पैसा वापस नहीं आया, 48 आवर हो गया। मैंने उसको रिप्लाई दिया था। बहुत सारे ऐसे कमेंट है, भाई मेरा पेमेंट कट गया, बैलेंस कट गया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, ये शंकर भारती लिखते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ कि मैंने, मेरे पास अभी प्रूफ है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा घटना घटा। और तो मैंने तीन सब्जेक्ट का अप्लाई किया था और वो उसका पैसा मैंने रिफंड पाया। तो कैसे पाया मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पाने से पहले आप मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए कि मैंने कैसे कैसे किया, आपको भी वह तरह से करना है। दूसरी बात, आप मेरे वीडियो को देखते तो ऊपर लाइक नहीं करते, यार लाइक कर दिया करो, लाइक करने में क्या जाता है। चलिए शुरू करते और बताते हैं आपको। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस कि मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा था वो देखिए यहाँ पे जो है, ये देख सकते हो, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ रहा है, जो कि ये कल तक नहीं था इसका ऑप्शन, ये कल तक नहीं था। मैंने इसे कल छोड़ के यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा रहा है। आप कहिएगा कि आप कैसे विश्वास करोगे कि मैंने ऐसा किया। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने जब कल अप्लाई किया था तो इस तरह से, देखिए कल अप्लाई किया था, इसी का किया था, देखिए करण कुमार का किया था मैंने। देखिए स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैंने, मैंने कल किया था, ये तीन सब्जेक्ट में देख सकते हो। और उसके बाद मैंने एक चीज़ और इसका स्क्रीनशॉट रखा था, हाँ इसका ट्रांजेक्शन आईडी रखा था, देख सकते हो। ये ट्रांजेक्शन देखिए 220 रुपये कटे हैं, तीन सब्जेक्ट के 710 रुपये होते हैं, 10 रुपये एक्स्ट्रा कटता है, उस मैंने वीडियो में बताया था। और तो ये 220 हो गए, और ये ट्रांजेक्शन आईडी है जो कि मैंने लिख के मतलब स्क्रीनशॉट करके रखा था, क्योंकि उसको मेल भी मैंने कर दिया। और वहाँ अदरवाइज वहाँ तो मांगता है ट्रांजेक्शन आईडी मांगता है, लेकिन वो मैंने इसे मेल, इसके भी मेल कर दिया था स्क्रीनशॉट लेके, ताकि मतलब उसे दिक्कत ना हो और मुझे भी। तो मैंने ये कर दिया था, तो मैंने ये दोनों चीज़ रखा था स्क्रीनशॉट करके। अब देखिए है क्या, आपको किस तरह से पैसा रिफंड लेना है। मैंने ये तो कर दिया, आपको तो यहाँ पैसे फुल्ली हो गया, करना क्या है, आप लॉन्ग आउट कर लीजिए पहले इसको यहाँ से। यहाँ करते हैं, यहाँ तीन ऑप्शन आते हैं, देख सकते हो, यहाँ पे न्यू यूज़र, रजिस्टर यूज़र, और यहाँ पे नीड असिस्टेंट। यहाँ पे हेल्प डिस्क पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो इस तरह से, यहाँ पे जो ये रोल नंबर, रोल कोड, रोल नंबर, और यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद ट्रांजेक्शन डिफरेंस नंबर जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, तो वो यहाँ आपको ये भर के इस मेल आईडी पे मेल करना है, इस पे मेल करना है आपको अपने मेल आईडी से, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर ही वही देना है जो मोबाइल नंबर आप जिसमें रजिस्टर करने वक्त दिए थे। अब देखिए होता क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करें और पैसा करें। अगर आपने एक बार कर दिया है तो बिल्कुल आप इस पे करें मेल। अगर आपने दो बार कर दिया है और आपका सक्सेस दूसरा बार में सक्सेसफुली हो गया, तो क्या करना है आपको, करना क्या है कि आपको मेल करना है इसी नंबर से, लेकिन उसको ये बोलना है कि उस पे जब डिस्क्रिप्शन में नब लिखना है कुछ जब उनके बारे में, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा कि पेमेंट ऑलरेडी मेरा हो चुका है। आप इस तरह से उसको लिख दीजिएगा कि मेरा पेमेंट सेकेंड टाइम में हुआ और कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम का पैसा फंस गया। जो पैसा, जिसका पैसा फंसा है उसका रेफरेंस नंबर डालना है आपको, और वो पैसा आपको रिफंड आ जाएगा। मेरा आया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे कंप्लेन किया था। मैं अपना आपको जीमेल खोल के दिखा देता हूँ। जिससे जैसा देखिए मैंने मेल खोल लिया है, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे टू सेव, इस पर सेव किया था। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको मेल किया था, रोल कॉल डाल दिया था, रोल नंबर डाल दिया था, ये और सब कुछ डाल दिया था, देख सकते हो जैसे मैंने डाला था। और उसके बाद मैंने ये इनका जो मेल आईडी है, मैंने मेल आईडी पे ये देख सकते हैं, मेल आईडी इनका या इस मेल आईडी मैंने मेल कर दिया। उसके बाद मैंने ये स्क्रीनशॉट ही भेज दिया था। स्क्रीनशॉट से भेजने का जरूरत नहीं, आप रेफरेंस नंबर अगर भेज रहे हैं तो बिल्कुल भेज दीजिएगा। और दूसरी बात, फिर आपको जब ये जैसे आप सेंड करते हैं, आपको एक मेल आएगा इस टाइप का, जैसा कि देखिए मेरे जो आया था, ये देखिए यहाँ पे देखा हुआ, इससे तक मैंने कहा कि यू आर लुकिंग इन टू योर प्रॉब्लम एंड रिजर्व बैक सून, मतलब ये बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी आपकी समस्या को देख रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। तो आपको ये कर, आपको जस्ट जैसे ही आप सेंड कीजिएगा, आपको एक तरह का मेल आएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप एक आईडी से नहीं बल्कि दो तीन आईडी से मेल कीजिएगा, ताकि आपको जल्दी देखे। मैंने देखिए मैंने इस आईडी से मेल किया था, इससे भी आया है, मतलब मैंने दो चार आईडी से फटाफट कर दिया, क्योंकि पैसे कटे हुए थे और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ही फंस जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शहनवाज अख्तर का देखा, वो शंकर भारती का देखा, तो उन्होंने बहुत सारा और बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं इसमें, इस वीडियो में, बट मैंने दो का नाम ले लिया क्योंकि बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान थे और मुझे बार बार बोल रहे थे। तो अगर आपको दोस्तों अगर इससे पैसा लेना है, तो मैं एक बात और कि मैं इसका जो है ये लिखा हुआ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके आप डायरेक्ट वहाँ से मतलब कि इस पर लिख के मेल कर सकते हैं। और इस ये मेल आईडी भी अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल मेरे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।